पास उसके दो नए बजट लैपटॉप्स आ चुके हैं। ये लैपटॉप्स इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी तगड़ी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि बहुत नई नई चीजें, बट जो महंगी वाली चीजें वो अपना सस्ती मस्ती के अंदर। ओहो हो, दो है भाई, एक एक करके खोलेंगे। ये हमारा पहला लैपटॉप। ओहो भाई, ये तो सही है भाई, म्यूजिक व्यूजिक बना सकते हैं। ओह, कुछ पुस्तकें। ओह भाई, क्या स्टाइलस भाई, लैपटॉप के अंदर भाई एक्साइटमेंट बढ़ रही है यार। ओ, ये तो चार्जर है। कुछ अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एसी अडाप्टर। एसी का मतलब एसी का अडाप्टर नहीं है, ये लैपटॉप का ही है। जो करंट का एंगल होता है वो दोस्तों एसी का ही है। इसके अंदर एसी लगा हुआ है, तुमको बताता इसके अंदर एसी है? नहीं बताता भाई, नहीं बताता भाई। आजकल आ गया ये लैपटॉप में एसी बना, ज्यादा कूल बनना चाहता है लैपटॉप। स्टाइलस लगाने की जगह नहीं है ये, मेरे ख्याल से एकदम सस्ते वाले में नहीं दे रखा, थोड़ा महंगा वाला, उसमें और ज्यादा फीचर है। इसको बट खोल के देखते हैं। सबसे पहली चीज, जब मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ, ये साइड में पूरा ऐसे रबराइज प्लास्टिक टाइप एक फिनिश है, और यहाँ पे नाखून भी घिस सकते हैं इसमें। बट इसको ऐसे हल्का हल्का मैं गिरा रहा हूँ, पर टेबल को डर लग रहा है इससे, बिल्कुल मजाक नहीं। हाथ में पकड़ने में अच्छा खासा हैवी ड्यूटी फील हो रहा है। नीचे के साइड पे भी पूरे से बड़े बड़े रबड़ के टुकड़े लगा रखे हैं, कोई बेंड नहीं है, कोई फ्लेक्स नहीं है, और मतलब लग नहीं रहा एक बजट लैपटॉप हाथ में पकड़ने में। पोर्ट वोट सारे भाई HDMI, USB टाइप सी, इससे चार्ज भी हो जाता है, और अपना चार्जिंग का अलग से रखा, और ये पता नहीं है क्या है, लटकाने के लिए कुछ करने के लिए। और साइड भी ईथरनेट, USB के अपना हेडफोन जैक, और ये भाई मोबाइल से इंस्पायर्ड है भाई, वॉल्यूम और पावर बटन। बट सबसे तगड़ी चीज वो जैसे है तो एक बजट लैपटॉप, पर ऐसे खोलना वो स्क्रीन भाई ऑलरेडी ओपन भाई। यूजुअल आप लैपटॉप खोलने में 5-6 सेकंड लगते हैं ऐसे खोलने में, इसमें भाई डायरेक्ट ओपन क्लोज डायरेक्ट रेडी टू यूज डन। वाओ, ऐसे नहीं कि परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा तगड़ी, बट इसके अंदर एक SSD पड़ी हुई है जो काफी तगड़ी स्पीड वाली, उसकी वजह से परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। और तेजी से ऐसे ओपन करो भाई, अपना रेडी टू यूज, अपना टाइपिंग है, ओ डन। अगर ऐसे करके यूज करने का मन करे तो कर सकते हैं भाई, जिम करते टाइम आपको लैपटॉप यूज करना, तो ऐसे करके नहीं हो पाएगा यार। अब पुशअप पुशअप मार रहे हैं, ऐसे कर ऐसे पुशअप मार, क्लैरिटी, ये तो फिटनेस का भी ख्याल रखा गया भाई। एक दो और छोटी छोटी चीजें, कैमरा से ऑरेंज कलर का हो जाता है, तब जो कैमरा नहीं चलाना उसको ऑरेंज कर दो, हर पर नहीं दिखता, मजाक कर रहा था मैं। कीबोर्ड वीबोर्ड भी सही लग रहा है, और एक्चुअली एक चीज मैं नोट करी, साइज का अगर थोड़ा सा रेफरेंस बताओ तो ये A4 शीट है, इसके अंदर ऐसे लैपटॉप फिट है, और ये हमारा लैपटॉप। इसमें एक 11.6 इंच का एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, बजट के हिसाब से एक डिसेंट डिस्प्ले बोला जा सकता है। बेजल काफी मोटी मोटी है, और यहाँ पे नीचे ASUS लिखा है, पर इस प्राइस पॉइंट पे एकदम सीधा सीधा बताऊँ, एक ऐसा लैपटॉप जो आपके बेसिक काम कर दे और मतलब ठीक ठाक टिक जाए, बहुत है। हिस्सा तो नहीं मिलता भाई, बहुत सारे ऐसे लैपटॉप है जो आप यूज करोगे, 4 दिन बढ़िया चलेंगे, 5वें दिन कहीं बैटरी गायब हो गई, किसी में डिस्प्ले आउट हो गया, किसी में परफॉर्मेंस लैग मार रही, तो ये मेरे को डेफिनेटली एक रिलायबल फील दे रहा है। इसको हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, चार्जिंग भी इसकी USB टाइप सी हो जाती है। बड़ा वाला अगर फोन है आपके पास तो उसके चार्जर से अभी आप चार्ज कर सकते हो, 8 घंटे इसकी बैटरी चल जाती है। जो फॉर्म फैक्टर है वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। ASUS ने एक मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन प्रॉमिस करी हुई है, 1.28 kg का लैपटॉप है, ऊपर की साइड पर लाइट लगा रखी है, जब चार्ज होगा तब अलग कलर की हो जाती है। ये अपनी नोटिफिकेशन LED, माशूका का वीडियो कॉल आ रहा है। Yes, coming darling. क्या कर रहा है दोस्तों, माशुका के साथ टेस्टिंग नहीं हो पाई गाली। बैटरी के लिए एक्चुअली जब बैटरी कम हो जाती है तो ये ब्लिंक करता है। मैं देखो, मैं सीधा सीधा बताता हूँ। देखो दोस्तों, आजकल स्टडीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेंगड़े भाई, तुम्हारे लिए स्टडीज इंपॉर्टेंट है क्या? भाई मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी का। कैसी पेचीदा बातें करने लगे हो तुम, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, कब से लोग जो ऑफिस जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, उनको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए रहता है, एक हल्का सा लैपटॉप जो बेसिक अपने काम करते हैं सारे सेट, या फिर किसी को प्रिंटर चलाना है, बेसिक बेसिक काम करना है, उनको चाहिए भाई एक लैपटॉप विंडोज वाला, क्योंकि विंडोज वाले में सारी चीजें चल जाती है, एक्सेल चल जाता है, प्रिंटर चल जाता है, कुछ भी कनेक्ट करना है सब चल जाता है। इसमें ऐड कर रखा है इंटेल सेलरॉन और एनर्जी स्टार PUV सर्टिफिकेशन, जिन लोगों को नहीं पता आंखें दर्द नहीं होती चलाते भाई, ये सब इंपॉर्टेंट होते, छोटी छोटी चीजें हैं बट सस्ते लैपटॉप में सब इंपॉर्टेंट है भाई। बट दोस्तों, अब आ गया टाइम बड़े भैया देने लगा, गजेंद्र बाहुबली से महेंद्र बाहुबली में। मैं 3 थप्पी मारूंगा, चेंज हो जाएगा लैपटॉप के अंदर, अनबॉक्सिंग हो जाती है हमारी। 1, 2 भाई आ गया भाई लैपटॉप्स। ये वाला है थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे, ये भाई ये डिस्प्ले ज्यादा चमकीला है, थोड़ा मजेदार सा है, और दूसरी चीज कि इसको बस 180 जाता है, इसके पीछे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और जो हमारे अपग्रेडेड महेंद्र जी वो यहाँ तक तो चले जाते हैं, बट ओ ओ आपको हाथ पे लटका के वीडियो देखने हो, टेबल पे ऐसे बैठ के वीडियो देखने हो, ऑल इज पॉसिबल, पंखे में मत लटका देना भाई, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मजाक की बात साइड में, ये भी सेम प्रोसेसर के साथ आता है, सेलरॉन N4500, जो मतलब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा प्रोसेसर है, काफी ज्यादा एफिशिएंट भी, 8 से 9 घंटे की बैटरी देता है, सेम SSD, सेम मिलिट्री ग्रेड वाला भाई, अपना रफनेस टफनेस, बट कुछ चीजें से के छिड़काव कर दिए, वो है बड़ी बात है।
हमने बना दिया भाई इंगड़ी भाई, अब तो टैलेंट भाई। बट मेरी फेवरेट तो सिज़ुका है ना। मेरा पेट नेम पता तुमको? सुनियो, बिल्कुल मजाक नहीं भाई, बजट के हिसाब से काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है भाई टचेस का। मैं आराम से ड्राइंग व्राइंग कर पाया, कोई दिक्कत नहीं आई थी। और छोटी छोटी चीजें ऐसे, इसमें भी सेम कैमरा है और इसमें भी सेम आप हाइड कर सकते हो, बट एक कैमरा यहाँ पे भी है। आप पूछो क्यों लगा है? समझ लो ऐसे करके आपको डॉक्यूमेंट की फोटो खींचनी है। वैसे रखा कैमरा सही लग रही भाई, कैमरे की फोटो ऐसे पीछे भी खींच के देखेंगे। फोटो फोन की फोटो इतनी तगड़ी तो नहीं है, बट एक्चुअल आप इससे डायरेक्टली फोटोज ले सकते हो, डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हो, वो काफी अच्छी चीज है। और वीडियो कॉल के टाइम भी अगर कभी यूज करना है तो भाई डेफिनेटली काम आता है। ये वाला जो कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, ये वाला थोड़ा सा कम मेगापिक्सल वाला है, बट दोनों काम बढ़िया करते हैं। दोनों में साइज का हल्का सा फर्क है, दोनों में बेजल्स काफी सिमिलर सी है। ये जो पेन है इसको अगर 15 सेकंड चार्ज करते हो 45 मिनट तक काफी आराम से चलता है। प्रोसेसर भी दोनों में सेम है, एक 10 नैनोमीटर का है, और इससे एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बैटरी लाइफ काफी तगड़ी देता है। और इस प्रोसेसर को होने का फायदा ये भी है कि ये बिल्कुल भी हीट नहीं करता है। इन दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर वेपर कूलिंग वाला से चेंबर एम्बर लगा रखा है, मतलब ठंडा ठंडा कूल कूल। इसमें एसी लिखा ना भाई, इसीलिए कीबोर्ड भी जो है ना भाई अब ठंडा ठंडा हो रहा है अंदर से। मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल डाल रखा होता है, काफी सारे लैपटॉप्स के अंदर आप यूज करोगे कहीं भुजिया गिर गई, कहीं कुछ गिर गया, बैक्टीरिया लग जाता, बदबू बदबू आने लगती। तो इसमें एक कुछ कोटिंग रखी है भाई एंटी बैक्टीरियल, तो मतलब मस्त रहता। तो भाई हम गेमिंग को एक कदम आगे लेके जाएंगे। हमने भाई इसको कर लिया पोर्ट, टेबलेट बना लिया भाई हमने, और हमने चला लिया गेम। अब फ्लेक्सिबल मोड में खेलेंगे ना, ऐसे हम भी फ्लेक्सिबल, लैपटॉप भी फ्लेक्सिबल। ओ भाई अच्छा ऐसे होते है। ओ भाई ये तो भाई मोशन सेंसर भी है इसके अंदर। ओ हो ओ यार ये तो मैं बहुत भाई क्या चला रहा हूँ भाई मैं। भाई बिल्कुल मजाक नहीं, परफॉर्मेंस काफी तगड़ी आ रही थी, इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी भाई मैंने। ऑल्दो एक बजट इनका लैपटॉप है, पर भाई इस गेम में भी डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहा था। भाई इस प्राइस पॉइंट के लिए काफी तगड़ा लैपटॉप है। हम पूछ के आते हैं बाकी लोग खरीदेंगे कि नहीं। मेरे को उसका कॉम्पैक्ट साइज तो काफी अच्छा लगा, तो अगर किसी को बजट लैपटॉप चाहिए तो डेफिनेटली। भाई तो बहुत छोटा है यार। अच्छा ये बटरफ्लाई बन जाता है, ऐसे उड़ सकता है क्या? तो रफ फील हो रहा थोड़ा सा, और रगेट भी लग रहा है थोड़ा सा, पूरा घूम जाता है भाई, फिर तो लूंगा। बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी दिख रहा है प्रोडक्ट, बट सिर्फ डिस्प्ले थोड़ा बड़ा रहता है ना, तो शायद मैं कंसीडर करता हूँ। हाथ में पकड़ने में और यूज करने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, और दोनों ही मतलब जो भी रेजिस्टेंस हो सकती थी, पानी गिर जाए, कोका कोला गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट एक चीज की रेजिस्टेंस नहीं है। किसकी भाई? प्यार की रेजिस्टेंस। पेंसिल मेरे को एक और मस्त चीज लगी, जैसे यहाँ पे ना दो बटन है, ऊपर की साइड पे भी एक, नीचे की साइड पे भी। कभी आपने एक बहुत ही टैलेंटेड तगड़ा चैनल खोल लिया यूट्यूब के ऊपर तो सब्सक्राइब हो जाता भाई बड़े आराम से। ओहो डन। देखो स्पेक्स वेक्स जिन लोगों चाहिए, 128 GB PCIe Gen 3 SSD पड़ी है। स्टोरेज मेरे ख्याल से ज्यादा ऐड कर सकते थे तो बढ़िया रहता, बट मेरे ओपिनियन भाई कम स्टोरेज होती है ना, तेज स्टोरेज होती है वो ज्यादा बढ़िया रहता है। और इन लैपटॉप में ऐसी गेम खेल के ज्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि मतलब ऐसा तो है नहीं बहुत तगड़ी गेम चला लो, हल्की फुल्की गेम चलेंगे, SSD चलाना मजा आएगा। और अगर बाद में मन करे तो 1 TB तक SSDs आप इन दोनों में ही अपग्रेड कर सकते हो, ये भी मेरे को काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी। डिस्प्ले ऐसे है तो भाई क्रिस्प। वेंगड़े भाई स्पीकर चेक करेंगे, हम सारी वॉचेस रहेंगे, और एंड में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा भाई मेरे को भी कौन सी पसंद आती है। लग रहा यार इस प्राइस पॉइंट में आवाज ही आ जाती है ना स्पीकर में, खुशी हो जानी चाहिए, पर इसमें आवाज आ रही थी भाई डिसेंट। ये जो स्टाइलस वाले महेंद्र भाई है ना, इनका जो डिस्प्ले है ये मतलब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत तगड़ा लगा मेरे को। मतलब हाँ भाई सस्ते लैपटॉप में ऐसे डिस्प्ले नहीं आते यार, और प्लस टच स्क्रीन एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, ये वाला लैपटॉप है 25,000 रुपए का, और ये जो टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है ये है 30,000 रुपीज का। और ये दोनों ही लैपटॉप अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी तगड़ी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्राइस पॉइंट पे आपको थोड़े बड़े स्क्रीन वाले लैपटॉप देखने के लिए मिल जाएंगे, और इनकी स्क्रीन और छोटी है, बड़ी जितनी चीजें प्रोवाइड काफी क्वालिटी वाली फील हो रही है, और हाथ में पकड़ के ही काफी ड्यूरेबल और हैवी ड्यूटी फील होता है। इसके पोर्ट्स भी हैं, इसमें भी एक्चुअल अंदर फ्रेम मेटल का लगा रखा है, कि मतलब ऐसे पोर्ट आप बार बार डालोगे निकालोगे कोई भी खराब नहीं होगा। और ऑल्दो कॉम्पैक्ट है बट काफी हैवी ड्यूटी लैपटॉप्स हैं। अगर कोई भी बजट में एक विंडोज लैपटॉप लेने जा रहा है और उसको छोटी स्क्रीन से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों ही लैपटॉप बहुत ज्यादा तगड़े रहेंगे। और एक चीज और काफी तगड़ी रही, वो है नीचे टेक बनर का सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।